तो खबरों की शुरुआत हम सबसे पहले अनलॉक वन से करेंगे। आज पहला दिन है, एक तरफ देश अनलॉक हो रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली और पड़ोसी राज्य अपनी अपनी सीमाएं सील कर रहे हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल सही है। और देखिए, जिस तरह का जिक्र आपने किया कि दिल्ली में संक्रमण का खतरा कितना बढ़ता जा रहा है, उसी दायरे के मद्देनजर बेशक बाकी देश में अनलॉक करने की शुरुआत हुई है, लेकिन दिल्ली में बॉर्डर्स अगले 7 दिन तक भी सील रहेंगे। और नेहा, यहां पर सबसे बड़ी चुनौती है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने न सिर्फ ये कहा कि अगले 7 दिन तो हम बॉर्डर सील रखेंगे ही, लेकिन लोगों से भी सुझाव मांगे हैं शुक्रवार तक कि आप बताएं कि आगे क्या करना है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लोगों से ही सुझाव आगे मांगे जाते रहेंगे तो फिर असल एक्शन और जमीन पर जो असर दिखना चाहिए वो कब होगा? दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर सील, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील, दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील, दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर सुबह से भयंकर जाम की तस्वीरें आ रही हैं। देश अनलॉक हो गया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर नहीं। गर्मी के बीच लगभग हर बॉर्डर पर लंबी कतारें लगी हैं। दिल्ली से यूपी जाने वालों को रेड सिग्नल दिखाकर वापस लौटाया जा रहा है। फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सीमा सील वाली सियासत में आज दिल्ली भी कूद पड़ा। मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली के बॉर्डर 7 दिन के लिए सील कर रहे हैं, सिर्फ जरूरी सेवाओं वालों को ही इजाजत होगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं, उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के साथ ही बॉर्डर पर नई तनातनी शुरू हो गई है। नोएडा गाजियाबाद ने पहले ही दिल्ली से दूरी बनाते हुए अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। जवाब में दिल्ली के बॉर्डर सील होने से लोग मुश्किल में फंस गए हैं, यानी बिना पास के अब ना आप दिल्ली से यूपी जा सकते हैं और न ही यूपी से दिल्ली। अनलॉक वन का आज पहला दिन है और दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर जबरदस्त चेकिंग जो है वो की जा रही है। बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से सख्त आदेश है कि दिल्ली से आने वाली सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को इजाजत जो है वो दी जाए। इसके अलावा किसी को भी दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा पर आने की इजाजत जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है। लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो बॉर्डर पर मुस्तैदी के साथ तमाम गाड़ियों की एक एक चेकिंग करने के बाद ही उनको अंदर जाने की इजाजत जो है वो दे रहा है। दिल्ली सरकार का फरमान आते ही दिल्ली पुलिस ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली से नोएडा में केवल जरूरी सामान की गाड़ियों और जिनके पास डीएम की ओर से जारी पास है उन्हीं को एंट्री दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने ये बोला है कि दिल्ली के बॉर्डर्स एक हफ्ते के लिए सील कर दिए जाएंगे, यानी कि कल से ये रूल लागू होगा। आप पीछे देख सकते हैं ये समय काफी बिजी रहता है, इसलिए यहाँ पे वाहन काफी खड़े हुए हैं। ये टोल की लाइन है, ये अभी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आगे से टोल है और वहाँ से वाहन आगे जाते हैं। यूपी हरियाणा ने तो यही दलील देकर बॉर्डर सील किए कि दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर सील करने की जो दलील केजरीवाल दे रहे हैं वो आप भी सुनिए। दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। यूपी हरियाणा ने बॉर्डर सील किए तो दिल्ली सरकार ने ये कहकर टेंशन बढ़ा दी कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों को ही इलाज मिलना चाहिए। इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो एनसीआर के लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में इलाज कराने आते हैं। लेकिन दिल्ली तो दिल वालों की है, दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली तो देश की राजधानी है, दिल्ली तो केरला वालों की भी है, तमिलनाडु वालों की भी है, यूपी वालों की भी है, बिहार वालों की भी है, झारखंड वालों की भी है, महाराष्ट्र वालों की भी है।
दिल्ली तो आज तक सबका इलाज करती आई है, फिर दिल्ली मना कैसे कर सकती है किसी का इलाज करने के लिए? हमने स्वास्थ्य विभाग में पूरी तैयारी कर रखी है, शुरू से ही कर रखी है। हमारे पास 12,000 बेड्स हर वक्त तैयार हैं। 12,000 मरीजों तक हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। और आज की तारीख में एक्टिव केसेस जो हरियाणा में हैं वो 900 के आसपास हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये बढ़ता भी है तो हमारे पास व्यवस्था है। कोरोना काल ने राज्यों के बीच भी डिस्टेंसिंग बढ़ा दी है। मुश्किल वक्त में सरकारें अगर इसी तनातनी में उलझी रही तो जनता पिसती रहेगी। बेहतर है कि तीनों राज्य मिलकर कोई समाधान निकाले। दिल्ली से पंकज जैन और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। कोविड 19 संक्रमण के बीच अब देखिए दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है उसके मद्देनजर अगले 7 दिन भी बॉर्डर सील रहने वाले हैं। यानी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर से लगने वाले बाकी शहरों तक जाना बहुत मुश्किल होगा। आप सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हैं तभी वहां जा पाएंगे। हमारे संवाददाताओं ने बॉर्डर एरिया से जो रिपोर्ट भेजी है देखिए। इस वक्त हम लोग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज 1 जून है, लॉकडाउन खत्म है, अनलॉक 1 की शुरुआत है। लेकिन हम बात करें दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तो यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। आप देख सकते हैं लंबा ट्रैफिक जैम है, यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है, हर किसी का पास चेक किया जा रहा है। और पास जिसके पास नहीं है, जो कि गौतम बुद्ध नगर के पुलिस प्रशासन या डीएम के द्वारा नहीं है, तो उन्हें यहीं से वापस कर दिया जा रहा है। आप कई लोग ऐसे हैं जो लगातार पुलिस से ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों वापस किया जा रहा है, क्योंकि आज से तो अनलॉक 1 शुरू हो गया है, लेकिन पुलिस उन्हें यहां से वापस कर दे रही है। अनलॉक 1 का आज पहला दिन है और दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर जबरदस्त चेकिंग जो है वो की जा रही है। बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से सख्त आदेश है कि दिल्ली से आने वाली सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को इजाजत जो है वो दी जाए। इसके अलावा किसी को भी दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा पर आने की इजाजत जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है। लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो बॉर्डर पर मुस्तैदी के साथ तमाम गाड़ियों की एक एक चेकिंग करने के बाद ही उनको अंदर जाने की इजाजत जो है वो दे रहा है। लगातार अगर कहा जाए तो गाजियाबाद में भी जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में भी कोरोना के मामले चरम पर। और ऐसे में गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से अगर कहा जाए तो लगातार जो गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों के अंदर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो कारण सिर्फ दिल्ली की वजह से है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे और आज सुबह यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे बॉर्डर पे और वाहनों की चहल पहल जारी थी। पर अभी कुछ मिनट पहले केजरीवाल ने ये बोला है, अरविंद केजरीवाल ने ये बोला है कि दिल्ली के बॉर्डर्स एक हफ्ते के लिए सील कर दिए जाएंगे, यानी कि कल से ये रूल लागू होगा। आप पीछे देख सकते हैं ये समय काफ़ी बिजी रहता है, इसलिए यहाँ पे वाहन काफ़ी खड़े हुए हैं। ये टोल की लाइन है, ये अभी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आगे से टोल है और वहाँ से वाहन आगे जाते हैं। लेकिन कल को इस समय इस तरह की भीड़ होने की आशंका है, क्योंकि ये सबसे बिजीएस्ट टाइम है। दुनिया भर की आईटी कंपनीज गुड़गांव में स्थित है, वहाँ पे दिल्ली से काफ़ी लोग उस जगह जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन ये बात दिक्कत की उनके लिए हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर सील की समस्या काफ़ी बड़ी है। तो आपने देखा किस तरीके से बॉर्डर एरियाज का इस वक्त पुलिस वहां पर लगी हुई है और वहां पर यह इंश्योर किया जा रहा है कि लोग बॉर्डर क्रॉस ना करें। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्रियों के लिए कॉल लेना आसान नहीं है। इस वक्त एक हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील किए गए हैं, लेकिन अभी भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। शुक्रवार 5 बजे तक व्हाट्सएप के जरिए आप हेल्पलाइन नंबर द्वारा अपने सुझाव भेज सकते हैं, ऐसा केजरीवाल अनाउंसमेंट कर चुके हैं। लेकिन इस पूरे विषय पर मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जिस तरह से एक निर्णय ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो कह रहे हैं कि क्या दिल्ली के वालों के लिए बेड रिजर्व कर देने चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी असफलताएं जिसके कारण आज हमको सड़क पे आना पड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, वो अपनी असफलताएं छुपाने के लिए एक नया शिगुफा चल रहे हैं। दूसरी बात, दिल्ली के लोगों का ही कहां इलाज कर रहे हो? अभी कल लगातार हमारे पास वीडियो आ रहे हैं, लोगों के घर में दो दो कोरोना पॉजिटिव हैं और सारे अस्पतालों का चक्कर लगा के फिर वो अपने घर पे आ रहे हैं। आप कहे थे 30,000 बेड है
और जब पता किया गया तो पता चला 3150 बेड है। आप कह रहे हो हमारे पास 2500 बेड खाली है और कोरोना वॉरियर्स अमित राणा वो बेड के अभाव में नहीं मिलने से वो शहीद हो गए। तो आप दिल्ली के लोगों का ही इलाज कहां कर रहे हो ये बताओ, और अपनी असफलता छुपाने के लिए एक नया शिगुफा मत लाओ। तो मैं अंत में ये भी बोलूंगा कि इस समय दिल्ली एनसीआर की जो व्यवस्था है उसमें किसी को रोक करके अरविंद केजरीवाल एक अलग राज ठाकरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सीधे सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना राज ठाकरे से कर दी है। जिस तरह से राज ठाकरे यूपी बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में काम नहीं करने देते थे और कई बार तो रेलवे परीक्षा के दौरान काफी हिंसा भी हुई थी। बॉर्डर तो सील हो गई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में, लेकिन दिल्ली अनलॉक हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने सैलून तक खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन मीनाक्षी कुछ सेवाएं बंद रहेंगी जिसमें स्पा महत्वपूर्ण है, स्पा नहीं खुलेंगे अभी तक। और देखिए सही, हमें चीजें खोली जा चुकी हैं, वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है, स्पा नहीं खोला जाएगा अभी, केवल बार्बर और सैलून की दुकानें खोली जा रही हैं। ऑटो, ई रिक्शा, ये जितने ग्रामीण सेवा, ये जितने व्हीकल्स हैं, इसमें एक दिक्कत आ रही थी। मान लीजिए हमने कहा भी ऑटो में एक ही सवारी चलेगी एक बार में, अब एक परिवार से पति पत्नी और एक बच्चा अगर घर से निकले तो अब वो पति अलग ऑटो में बैठेगा, पत्नी अलग ऑटो में और बच्चा अलग ऑटो में। इसकी वजह से कई जगह से सुझाव आए थे कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो रहा है। तो चूंकि केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है तो इस किस्म के रिस्ट्रिक्शन हम भी हटा रहे हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के बाहर कोई नहीं निकलेगा। दिल्ली सरकार भी वो निर्णय लागू करने जा रही है। अभी तक ये था कि फोर व्हीलर्स में केवल ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठेंगे और स्कूटर पे पीछे कोई सवारी नहीं बैठेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसको हटा दिया है, इस कंडीशन को। तो दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार उसको हटा रही है। मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने ऑड इवन लागू किया था कि एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन दुकानें। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो अब मार्केट्स में सभी दुकानें खुलेंगे। पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्टैगर्ड टाइमिंग्स लागू किए जाएंगे, तो हमने भी उसी के हिसाब से स्टैगर्ड टाइमिंग्स किए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने वो निर्णय हटा दिया। तो दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज, अब सारी इंडस्ट्रीज खुल सकेंगी। दिल्ली में ज्यादातर चीजें खुल चुकी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर सील फिलहाल रहेंगे अगले 7 दिनों तक। देश पूरा खुल चुका है, लेकिन 8 जून से मंदिर भी खुल जाएंगे 3 चरणों में। यह होगा दूसरा चरण, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्चेस का, यानी कि मंदिर प्रशासन कोरोना काल में मीनाक्षी पूरी पूरी तैयारियों के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए सही, ये भी भक्ति का एग्जिट प्लान है, क्योंकि किसने सोचा था कि कभी ऐसा दौर भी आएगा कि मंदिरों में, मस्जिदों में इबादत होगी, पूजा होगी, तो भगवान को भी सैनिटाइज किया जाएगा, उनके प्रांगण को सैनिटाइज किया जाएगा, हाथों में ग्लव्स होंगे और मास्क के साथ नेहा ये पूजा होगी। बिल्कुल, और वहां का पूरा बदला स्वरूप नजर आएगा, चाहे वो कोई भी वंदना का स्थान हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, सभी हाथ में ग्लव्स पहने दिखाई देंगे, मुंह पे मास्क लगा होगा, सैनिटाइजर जगह जगह रखा होगा। लेकिन फिर भी ये देखना जरूरी होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, क्योंकि अमूमन यही देखा जाता है कि इन जगहों पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, ऐसे में कैसे वहां पर रूल्स को फॉलो किया जाएगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग कनॉट प्लेस के मशहूर बजरंगबली के मंदिर के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मंदिर के महंत पंडित सुरेश जी मौजूद हैं। पंडित जी,
अब मंदिर खुलने वाला है 8 जून से, जैसा कि नोटिफिकेशन आया है, तो क्या तैयारी की गई है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए, कैसे संक्रमण को दूर रखते हुए किस तरीके से पूजा पाठ होगी? सर जैसे वैसे सरकार जो आदेश देगी वही ही चलेगा, मगर हमने अपनी तरफ से अभी तक अनुमति दिया है कि हमने ये सैनिटाइज की मशीन लगवा दी है। जी 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 जी, तो ये आप दूरी का ध्यान रखा गया है। अच्छा, ये जो येलो लाइन जगह जगह पर है, ये मतलब एक आदमी एक लाइन से आगे चलेगा, एक लाइन से आगे आगे चलेगा, जितने दायरे से चलेगा जैसे आदेश, फिर अंदर जाएगा पुलिस सुरक्षा है। जी जी जी, उसके बाद सैनिटाइज का है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो पहले आप सिक्योरिटी से गुजरेंगे, मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, उसके बाद पंडित जी फिर ये सैनिटाइजेशन के लिए पूरा लगाया गया। जी जी, उसमें सैनिटाइज होने के बाद ही आगे जाया जाता है। जी, तो जैसे यहाँ पे आप पूरी तरीके से सैनिटाइज हो गए, उसके बाद हम अंदर की तरफ आए, अंदर यहाँ पर मंदिर के अंदर कितने लोगों को अलाउ होगा? अंदर दूरी इतनी है कि 20-25 से आदमी से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। 20-25 आदमी, वो भी लेन लगा देंगे, उसी से चलते रहेंगे, आराम से निकलेंगे। लाइन लगा दी, लेन लगा देंगे एक एक करके, जैसे दूरी आपको दिखाई गई है ऐसे ही दूरी होगी, आराम आराम से चलेंगे, आराम से चलेंगे और वो घुसते रहेंगे। सियासी घमासान के बीच जो लोग सफर करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, आज से देश भर में 200 ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। इससे पहले 15 जुड़ी स्पेशल ट्रेनें और श्रमिक एक्सप्रेस चल रही थी, लेकिन अब कई छोटे शहरों तक रेल सेवा आज से शुरू हो गई है। सड़क पर मजदूर, ट्रकों पर मजदूर, बसों में मजदूर, श्रमिक एक्सप्रेस में मजदूर, जो साधन मिला उस पर मजदूरों का रेला घर के लिए निकल पड़ा। सरकार ने ट्रेनें चलाई, हर रोज देश के अलग अलग इलाके से दर्जनों ट्रेन चलाई गई, लाखों श्रमिक अपने घर ट्रेनों से पहुंचे। अनलॉक होते देश में अब सरकार ने राहत की एक और किश्त जारी कर दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी साझा करते हुए ट्वीट किया, कल से देश भर में शुरू हो रही है 200 स्पेशल ट्रेन, नागरिकों का घर जाना होगा और आसान और सुरक्षित। 200 ट्रेन की खेप पूरे देश में शुरू की जा रही है, इसके तहत सैकड़ों बड़े छोटे शहर आपस में जुड़ जाएंगे। सफर का इंतजार कर रहे लोगों को इससे बहुत राहत मिलने वाली है। ट्रेन तब तक चलती रहेगी जब तक अंतिम श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाते हैं, इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। सफर से पहले यात्रियों को कुछ खास बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, मसलन सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रियों को ट्रेन चलने से 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। सफर के दौरान भोजन का इंतजाम यात्रियों को ही करना होगा। एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को कंबल नहीं मिलेगा। यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। रेलवे हर रोज दर्जनों ट्रेन चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इसमें मजदूर भी हैं और दूसरे भी। अब ट्रेन की नई खेप चलने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अभी बहुत सावधान रहने की भी जरूरत है। सफर करते वक्त नियमों का गंभीरता से पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी रखें। मिलन शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। जब पूरे देश में कोरोना मीटर अपनी रफ्तार पकड़े हुए है, उस समय लॉकडाउन से अनलॉकडाउन की तरफ बढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र जहां हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हैं, वहां लॉकडाउन में रियायत देने से पहले सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, और यही कारण है कि रियायत का दायरा महाराष्ट्र में कम है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर महाराष्ट्र में क्या क्या खुला है और क्या क्या बंद है। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर पूरी रफ्तार पकड़े हुए है। वायरस से संक्रमित हुए लोगों की तादाद अब 67,000 के आंकड़े को पीछे छोड़ चुकी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र ने अनलॉक की प्रक्रिया को धीरे धीरे जमीन पर उतारने का फैसला लिया है। उद्धव सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसमें पूरे राज्य को 2 हिस्से में बांटा गया है। पहले हिस्से में मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद जैसे बड़े शहर रखे गए हैं, जबकि दूसरे हिस्से में बाकी राज्य हैं। नए गाइडलाइंस के मुताबिक इन 4 शहरों में जो छूट दी गई है उसमें
निजी दफ्तर 8 जून से 10% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। सरकारी दफ्तर 15% कर्मचारी के साथ खोले जाएंगे। दुकान और बाजार 5 जून से खुलेंगे। जरूरी हो तो टैक्सी, कैब और निजी गाड़ियों के इस्तेमाल की इजाजत होगी। आउटडोर गतिविधियों के लिए 3 जून से इजाजत होगी। ई कॉमर्स के लिए इजाजत दी गई है। इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर 3 जून से काम कर सकेंगे। वहीं शॉपिंग मॉल्स, सैलून, होटल, धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। इन 4 शहरों में एक जिले से दूसरे जिले में बस सेवाओं की इजाजत नहीं दी जाएगी। अनलॉक 1 में मुंबई, पुणे, थाने और अलग अलग ऐसे इलाके महाराष्ट्र के जो कि रेड जोन्स है, उसमें किसी भी तरह की इकोनॉमिक रिलैक्सेशन मिलने की संभावना काफी कम है। महाराष्ट्र के जिन इलाकों में कोरोना का प्रहार ज्यादा है, वहां रियायतों का दायरा कम है। उद्धव सरकार अपना हर कदम फूक फूक कर उठा रही है। यही वजह है कि मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद को अलग कैटेगरी में रखा गया है। इन 4 शहरों के अलावा महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में कुछ ज्यादा छूट दी गई है। यहां सरकारी दफ्तर में 100% कर्मचारी काम पर लौट सकते हैं। वहीं निजी दफ्तरों को भी खोलने का फैसला लिया गया है। टैक्सी, कैब और निजी कार में 3 लोग सफर कर सकेंगे। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ई कॉमर्स के साथ साथ उद्योगों को इजाजत दी गई है। शराब की दुकान खोली जाएंगी। जिले के भीतर बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन माना है, वहां कोई छूट नहीं दी गई है। कहीं भी स्पा, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत नहीं होगी। मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम नहीं खुलेंगे। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सरकार सब कुछ खोलना चाहती है, लेकिन कोरोना का बढ़ता ग्राफ ये जोखिम उठाने नहीं दे रहा। लिहाजा अनलॉक होते देश में भी कदम फूक फूक कर उठाइए। ये वक्त की मांग है, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षित रहने की गारंटी है। मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज से कौन कौन सी रियायतें आपको मिल गई हैं और आप लोगों को कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कोरोना संकट के बीच योगी सरकार ने जिंदगी को फिर से रफ्तार देने की कवायद शुरू कर दी है। आज से सूबे में ज्यादातर पाबंदियां हटा ली जाएंगी, लेकिन सावधानी के साथ। सरकारी कार्यालय 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। प्राइवेट ऑफिस भी 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। सभी दफ्तरों में 3 शिफ्ट में काम होगा। रोडवेज की बसों को भी चलाया जाएगा, लेकिन जितनी सीट होगी सिर्फ उतने ही मुसाफिरों को इजाजत मिलेगी। साथ ही बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। कारों में जितनी सीट उतने लोग सफर कर पाएंगे। दोपहिया में भी 2 लोगों को इजाजत होगी। ऑटो भी पूरी क्षमता के साथ सवारी ले जा सकते हैं। यूपी के सभी बाजार कल से खुल जाएंगे, लेकिन सबके लिए शर्तें रखी गई है। ज्यादातर बाजारों को सुबह 9 से रात 9 तक खुलने की इजाजत होगी। सब्जी मंडियां सुबह 6 से रात 9 तक और फल मंडियां सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। पार्कों को सुबह और शाम दोनों वक्त 3 घंटे खुलने की इजाजत होगी। शॉपिंग मॉल्स 8 जून से खुलेंगे। उनके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी होंगे। कल से मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन बैठा कर नहीं खिला सकते। धार्मिक स्थलों को भी 8 जून से खोल दिया जाएगा, लेकिन योगी सरकार ने लोगों के सामने शर्तें भी रखी है, जिनका पालन करना बेहद जरूरी होगा। कि 8 जून से जो धार्मिक स्थल है और पूजा स्थल है उनको खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि सत्कार की जो सेवाएं हैं वो भी 8 जून से खुलेंगी और शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुलेंगे। लेकिन इन तीनों व्यवस्था के लिए भारत सरकार की जो हेल्थ विभाग की जो गाइडलाइंस आएंगी और जो प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा, उसके अनुरूप जो है ये 8 जून से ये खोलने की व्यवस्था होगी। उधर राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आज से सभी सरकारी दफ्तर 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। प्राइवेट ऑफिस भी 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। राजस्थान में परिवहन बसों को भी चलने की इजाजत होगी। ऑटो और टैक्सी को भी चलने की इजाजत होगी। छोटी दुकानों के अंदर 2 और बड़ी दुकानों के अंदर 5 लोग जा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में कौन सी पाबंदियां जारी रहेंगी।
मेट्रो सेवा, सिटी बसें, मॉल्स, जिम, सिनेमा हॉल्स, स्कूल कॉलेज, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी, क्योंकि कुछ सीमित को छोड़ के बाकी सारी गतिविधियां खोली जा रही हैं। एम्फेसिस जो है इन सारी गाइडलाइंस पे ये है कि क्या सुरक्षात्मक कदम अपने को उठाने हैं और क्या गतिविधियों, किन गतिविधियों के साथ क्या क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जाए। जो अभी नहीं खुले वो 8 जून से खुल जाएंगे। धार्मिक स्थलों, होटल और मॉल्स सब जगह फिर से रौनक हो जाएगी। लेकिन पते की बात यह है कि पाबंदियों में छूट और रियायतें अपनी जगह हैं और जरूरी भी हैं। लेकिन जरूरी ये भी है कि आप समझदारी और जिम्मेदारी दिखाएं। आप सतर्क और सावधान रहेंगे तो कोरोना की हार तय है। आज तक ब्यूरो। पूरे 68 दिन हुए तालाबंदी के, उसके बाद लॉकडाउन खुला। कोरोना के साथ जंग के बीच आज पूरा देश खुल चुका है। हाँ मीनाक्षी, ये सच है कि वो इलाके नहीं खुले हैं जो हॉटस्पॉट्स हैं और जहां पर खतरा अभी ज्यादा है। देखिए सईद, अनलॉक डे वन है ये, तो सीधी सी बात यहां पर ये हम सबको समझना होगा कि पूरी दुनिया में 61 लाख प्लस केसेस कोरोना के हैं, लेकिन जिंदगी को हमेशा के लिए भी ताले बंद नहीं रखा जा सकता, लॉक्ड स्थिति में नहीं रखा जा सकता। यानी अब इन्हीं चुनौतियों से गुजरते हुए हमें एक संतुलन बिठाना होगा। नेहा, बिल्कुल, और ये संतुलन बिठाना ही इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, क्योंकि पहले तो आप ये घोषणा करते हैं कि अंतरराज्यीय मूवमेंट अलाउड होगा, यानी कि एक राज्य से आप दूसरे राज्य तक गाड़ी लेकर जा सकेंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि अभी एक हफ्ते तक सीमाएं सील रहेंगी, यानी कि दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से गाजियाबाद या फिर यूपी जाना संभव नहीं होगा। ऐसे में अगर आप अनलॉक कर रहे हैं तो कब तक के लिए अनलॉक कर रहे हैं, और अगर लॉक कर रहे हैं तो फिर किन शर्तों और किन पाबंदियों के साथ कर रहे हैं, इसकी तस्वीर और इसका प्रारूप साफ होना चाहिए। सन्नाटा खत्म हो गया, सड़कों पर लौट आई रौनक, दौड़ने लगी गाड़ियां, शुरू हो गया जाम का जंजाल, बाजार सज गए, दुकानों के भी शटर उठ गए, सरकारी हो या प्राइवेट सभी दफ्तरों के दरवाजे खुल गए। अब कोरोना के साथ जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी। दिल्ली शहर में बहुत कुछ खुल चुका है, ऑफिस, बसें, ऑटो, टैक्सी, सब कुछ वापस आ चुका है, मार्केट्स खुल चुकी हैं, लेकिन दिल्ली शहर में जो नंबर है कोरोना वायरस पेशेंट्स के वो लगातार बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह है लोगों की बुरी आदतें। राज्यों की सीमाएं भी खुल गईं, गाड़ियां बिना किसी पाबंदी के एक राज्य से दूसरे राज्यों में दौड़ सकेंगी, लॉकडाउन में फंसे लोग अब बिना किसी पास के कहीं भी जा सकेंगे। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में आपको यहाँ लोग नजर आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है कि एक गज, कम से कम दो गज की जरूरी है दूरी, लेकिन आप यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में लोगों को वापस किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। दिल्ली बॉर्डर पर हालात अलग हैं। नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब भी दिल्ली से आने जाने वालों पर पाबंदी जारी रखा है। इसकी तस्वीर बॉर्डर पर सुबह से ही दिखने लगी। अनलॉक वन आज से लागू है। इस चरण में कर्फ्यू में राहत मिलेगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बजाय अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिना रोक टोक आवाजाही रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकेंगे। कंटेनमेंट इलाके से बाहर दफ्तर और दुकानें सब लॉकडाउन से पहले की तरह खुल जाएंगी। हफ्ते भर बाद रियायत की दूसरी किश्त भी लागू हो जाएगी। अनलॉक 2 8 जून से शुरू होगा। होटल, रेस्टोरेंट सब खुल जाएंगे, मॉल्स को भी इजाजत मिल जाएगी, धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। देश अनलॉक हो रहा है, लेकिन कोरोना की जंग खत्म नहीं हुई है। अब भी सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में इस बात पर जोर दिया। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है। हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला।
जान भी जहान भी, इस मंत्र के साथ हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार भी डरा रही है। नए मामले रोज रिकॉर्ड के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसे में जिम्मेदारी तो बढ़ ही जाती है, सावधानी और भी जरूरी है। अनलॉक वन का आज पहला दिन है, कई राज्यों में आपने देखा किस तरह से शर्तों के साथ अब कई चीजों को दोबारा से शुरू कर दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र अभी भी चिंता का विषय है क्योंकि आंकड़ों के मामले में ये टॉप राज्य बना हुआ है। वहां पर चार शहर ऐसे चुने गए हैं जहां पर कुछ रियायतों के साथ मीनाक्षी थोड़ी ढील दी गई है। इसमें फिल्म लाइन एक क्षेत्र है जहां पर यह कहा गया है कि आप शूटिंग शुरू कर सकते हैं लेकिन 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग इसमें काम नहीं करेंगे और सैनिटाइजेशन और मास्क तो जरूरी है ही मीनाक्षी। और देखिए नेहा, आपने क्योंकि मुंबई का जिक्र किया क्योंकि वहां पर सारे सीरियल्स का प्रोडक्शन होता है, फिल्मों का प्रोडक्शन होता है, तो ऐसे में एक्टर्स तक को ये कह दिया गया है कि वो अपना मेकअप और स्टाइलिंग खुद करें ताकि जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है वो कम से कम रहे। लेकिन सईद जी, यहां पर ये देखना दिलचस्प है कि जब हम अलग अलग राज्यों की बात कर रहे हैं तो हर सरकार ने अपने हिसाब से फैसले किए हैं और यूपी और राजस्थान में बाकी राज्यों के मुकाबले ऐसा लगता है कि रियायतें सबसे ज्यादा दी गई हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। उत्तर प्रदेश और राजस्थान तो ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ वहां पर खुल गया हो, लेकिन महाराष्ट्र का जिक्र नेहा ने जरूर किया, इसी तरह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल के वो इलाके जो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वहां बिल्कुल छूट नहीं दी गई है। बाकी राज्यों में भी इसी तरह से जो खतरनाक इलाके हैं, जो हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, जहां अभी भी मरीज मिल रहे हैं, वहां पर पाबंदी है, लेकिन देश लगभग पूरा खुल चुका है। अनलॉक वन के पहले दिन ही तस्वीरें बदल गईं। फिर चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई, जयपुर हो या फिर अहमदाबाद, सड़कों पर गाड़ियों का अंबार, बाजार का सन्नाटा खत्म हो गया। लेकिन हर राज्य हालात के मुताबिक भी फैसले ले रहे हैं। महाराष्ट्र का हाल बेहाल है, कोरोना मीटर में ये सूबा सबसे ऊपर है। यही वजह है कि लॉक से अनलॉक की तरफ बढ़ते हुए काफी एहतियात बरती गई है। पूरे राज्य को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद जैसे बड़े शहर रखे गए हैं, जबकि दूसरे हिस्से में बाकी जिले हैं। इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और ये जो ट्रैफिक आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये वो ट्रैफिक है जो हर रोज मुंबई में देखा जाता है। ये वो लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में से जुड़े हैं जिन्हें अभी इस वक्त लॉकडाउन के अंदर भी जाना पड़ रहा है। भले ही अनलॉक इंडिया शुरू हो गया हो लेकिन अनलॉक महाराष्ट्र अभी फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद में सख्ती बनी हुई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक इन चार शहरों में पाबंदी के साथ छूट है। निजी दफ्तर 8 जून से 10% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे, सरकारी दफ्तर 15% कर्मचारी के साथ खोले जाएंगे, दुकान और बाजार 5 जून से खुलेंगे। जरूरी हो तो टैक्सी, कैब और निजी गाड़ियों के इस्तेमाल की इजाजत होगी। आउटडोर गतिविधियों के लिए 3 जून से इजाजत होगी। ई कॉमर्स के लिए इजाजत दी गई है। इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर 3 जून से काम कर सकेंगे। वहीं शॉपिंग मॉल्स, सलून, होटल, धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। इन चार शहरों में एक जिले से दूसरे जिले में बस सेवाओं को इजाजत नहीं दी जाएगी। कोरोना संकट के बीच योगी सरकार ने जिंदगी को फिर से रफ्तार देने की कवायद शुरू कर दी है। आज से सूबे में ज्यादातर पाबंदियां हटा ली जाएंगी लेकिन सावधानी के साथ। सरकारी कार्यालय 100% कर्मचारियों के साथ खुल गए, प्राइवेट ऑफिस भी 100% कर्मचारियों के साथ खुले। सभी दफ्तरों में 3 शिफ्ट में काम होगा। रोडवेज बसें भी दौड़ने लगी, जितनी सीट होगी सिर्फ उतने ही मुसाफिरों को इजाजत। बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी, कारों में जितनी सीट उतने लोग सफर कर पाएंगे। दोपहिया वाहन पर भी 2 लोगों को इजाजत होगी। ऑटो भी पूरी क्षमता के साथ सवारी ले जा सकते हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए। आज से सभी सरकारी दफ्तर 100% कर्मचारियों के साथ खुल रहे हैं, प्राइवेट ऑफिस में भी 100% कर्मचारियों को इजाजत। राजस्थान में परिवहन बसें भी दौड़ने लगी, ऑटो और टैक्सी भी सड़कों पर भाग रहे हैं। छोटी दुकानों के अंदर 2 और बड़ी दुकानों के अंदर 5 लोगों को इजाजत। अब देश में 2 ही जोन होंगे, कंटेनमेंट और बाकी इलाका। कंटेनमेंट में सख्ती है और इसके बाहर आजादी। मुंबई से मुस्तफा शेख और जयपुर से शरद कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
आप अंदाजा लगाइए, एक दो दिन एक आध हफ्ते की बात नहीं थी, ये लॉकडाउन पूरे 68 दिनों तक चला है और ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया थम गई है, आप और हम सब अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। और जैसे ही देश लॉकडाउन की विदाई की तरफ बढ़ा, यह खबर आई तो मानो आपके हमारे लोगों के चेहरे खिल गए, अनलॉक वन के नाम से राहत की बौछारें आईं और खुशी मीनाक्षी लोगों के चेहरे पर कल से ही दिखाई दे रही, आज तो बहुत ज्यादा। और देखिए सईद जी, ये खुशी सिर्फ चेहरों पर नहीं है, ये सड़कों पर दिखाई दे रही है, दुकानों पर दिखाई दे रही है, दफ्तरों में दिखाई दे रही है। कुछ खबरें हम देख रहे थे तो मालूम चला कि किस तरह से अहमदाबाद में खाने के बहुत शौकीन होते हैं गुजराती, तो कैसे अहमदाबाद की दुकानों में फाफड़ा खाने के लिए, जलेबी खाने के लिए लोग जा पहुंचे। पिंक सिटी जयपुर तो सैलानियों के लिए भी खोल दी गई है, हालांकि ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितने लोग वहां जाते हैं, लेकिन कम से कम अब पाबंदी नहीं है नेहा। बिल्कुल, पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं, खाने पीने की जगह जैसा कि आप मीनाक्षी बता रही थी वो खोल दी गई हैं, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बात इस वक्त सतर्कता की है, सावधानी की है कि अगर आप इन सब चीज़ों तक पहुंच रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, आप मॉल जा रहे हैं या फिर आप अपने धार्मिक स्थल भी जा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से आपको सावधानी बरतनी है और किस तरीके से ये कोशिश करनी है कि संक्रमण ना फैले, इस बात को सुनिश्चित करना है। खुशी भले कितनी हो लेकिन संभलिए और सावधान रहिए। आम तौर पर गुजराती की शुरुआत होती है फाफड़ा, गांठिया, ढोकला जैसे नाश्तों से, लेकिन पिछले कई महीनों से लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीजें बंद थी और अब अनलॉक वन में ये सारी चीजें आज से मिलना शुरू हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, फाफड़ा, ढोकला, खांडवी, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है। सुबह सुबह जो दुकान है वो खुल चुकी है और दुकानों में चीजें लेने के लिए भी लंबी कतार लग चुकी है। दरअसल सोशल डिस्टेंस के तहत यहाँ पे बड़ी लंबी लाइन लग चुकी है सुबह सुबह नाश्ता लेने से के लिए, आज से ही यहाँ पे दुकानें शुरू हुई है। लेकिन जो अनलॉक एक का नियम बनाया गया है जिसके तहत लोग जो चीज़ें हैं उसे लेके जा सकते हैं, यहाँ पे खा नहीं सकते। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने क्या नियम अब तक फॉलो किए हैं? अब तक वो गुजरात सरकार के नियम के अनुसार हम अभी तो टेक अवे ही दे सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का फुल से पालन कर रहे हैं अभी। बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं और यहाँ पे ये देखिए दुकानदार भी मौजूद है, उन्हीं से जो कस्टमर है वो भी मौजूद है। ये बताइए, 3 महीने बाद फाफड़ा, ढोकला ये सारी चीजें खा रहे हैं? हाँ, 3 महीने हो गए काफी, और अभी 3 महीने के बाद खुल गए तो देखते हैं कैसा लग रहा है। और आप देख रहे हैं काफी क्राउड है, जो खाने के लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं।